हेलो गाइस, आज से मैं एक नया एशियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जो बेसिकली एक थाई ड्रामा है। सीरीज के शुरुआत में हमें बैंकॉक का एक बहुत बड़ा सा स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कहानी की लीड कैरेक्टर गौरिया को देखते हैं। वो हर वक्त बैठकर पढ़ाई करती रहती थी। तभी वहाँ पर हैना नाम की लड़की आती है और बताती है कि मैं आज ही यूएस से आई हूँ। हैना उसको पूछती है कि तुम अकेली क्यों बैठी हो। गौरिया बताती है, मैंने स्कॉलरशिप के थ्रू इस स्कूल में एडमिशन लिया है और मैं थोड़ी सी बोरिंग टाइप की हूँ, तुम वहाँ पर जाके दूसरी लड़कियों से बात कर सकती हो। हैना उठकर जाने लग जाती है, लेकिन वो कुछ ही देर में वापस आकर कहती है कि मुझे तो तुम्हारा ही दोस्त बनना है। हैना उसको पूछती है कि मैं स्कूल में नई आई हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई एडवाइस है। गौरिया बताती है कि स्कूल में लोगों को बुली किया जाता है। यहाँ पर एक गेम खेला जाता है जहाँ पर लोगों को रेड कार्ड दिया जाता है और ये न्यूज चैट के थ्रू सारे बच्चों तक पहुँच जाती है। ये गेम इस स्कूल का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुप खेलता है, जो भी उनसे पंगा लेते हैं उनको रेड कार्ड दिया जाता है। इसका मतलब बाकी के बच्चे उनके साथ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो जानते हैं कि वो कैमरा के सामने कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो उस लड़के को दौड़ाते हुए स्टेडियम के पास तक ले जाते हैं, क्योंकि स्टेडियम में कोई भी कैमरा नहीं लगा है और स्टेडियम के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पहुंचकर सारे बच्चे उसको मारते पीटते हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने में होती है F4 की एंट्री। लड़कियां उनके पीछे काफी ज्यादा क्रेजी थी, क्योंकि वो बहुत ही रिच और इन्फ्लुएंशियल घर से बिलोंग करते थे। F4 का जो लीडर है उसका नाम थाइम होता है और वो भी इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। वो उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो और तुमने मेरे बारे में प्रूफ इकट्ठा किए हैं और तुमने ये वीडियोस बनाया है, ऐसा करके तुम्हारा रेपुटेशन खराब होगा। वो लड़का कहता है कि इन वीडियोस के थ्रू सबको समझ में आ जाएगा कि तुम किस टाइप के इंसान हो। थाइम पूछता है तुम इन वीडियोस की बात कर रहे हो, और देखते ही देखते वो सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। वो लड़का बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। थाइम बोलता है मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। एक्चुअली F4 के दूसरे मेंबर ने एक हैकर को कॉल करके सारा वीडियोस डिलीट करवा दिया था। वो लड़का गुस्से से थाइम को एक पंच मार देता है तो थाइम भी उसको वापस से हिट करता है। इस तरफ हम देखते हैं कि इस ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम था रेन। उसको ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। ये लड़का सबसे कहने लगता है कि हम ये गेम क्यों खेले, अगर हम साथ में हो जाएंगे तो हम इनके खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन उल्टा सारे ही लोग उसको मारने लग जाते हैं। थाइम कहता है मैंने किसी से नहीं कहा तुम्हें परेशान करने के लिए, हम F4 कुछ नहीं करते, सारे लोग हमारे लिए अपने आप ही काम करते हैं। सारे लोग मिलकर उस लड़के को मारने लग जाते हैं। F4 का एक मेंबर कहता है कि ये लड़का यहाँ से जिंदा जाना चाहिए, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। गौरिया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो स्कूल की छत पर जाकर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि बाहर से तो ये स्कूल बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब अंदर आकर देखोगे तब असलियत पता चलेगी। जब वो चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है तो हम देखते हैं F4 का एक मेंबर रेन वहीं पर बैठा हुआ था और वो गौरिया की बातें सुनकर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं गौरिया एक फ्लावर शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती थी और वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था कनिंग। वहाँ पर हम गौरिया के अंकल को भी देखते हैं। गौरिया दोनों को F4 के बारे में बताती है तो गौरिया के अंकल कहते हैं मैंने सुना है F4 बहुत अच्छे हैं, लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पहला है थाइम जो थाईलैंड के No. 1 कंपनी का बेटा है। दूसरा मेंबर है MJ जिसको लड़कियां बहुत पसंद करती है। तीसरा है केविन, उसकी फैमिली हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल है। गौरिया बताती है केविन एक प्ले बॉय है। और चौथा इंसान है रेन जो थाईलैंड के हेल्थ केयर सेंटर के ओनर का बेटा है। गौरिया बताती है ये लोग बाहर से परफेक्ट दिखते हैं और स्कूल में डोनेशन देकर ये सब पर रूल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। अगले सीन में हम गौरिया की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गौरिया के शूज फटे हुए थे। उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसे शूज पहनकर क्यों जाती हो, लोग तुम्हें चिढ़ाते नहीं होंगे क्या। गौरिया बोलती है कि हम नए शूज खरीद कर क्यों पैसे वेस्ट करें, इसको मैं और भी चला सकती हूँ, वैसे भी मुझे इतने महंगे स्कूल में भेजने के लिए आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, तो मैं आपका और खर्चा नहीं करवा सकती। यहाँ पर हम मैगजीन में एक लड़की मीरा की फोटो देखते हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं मीरा ने सबके सामने कहा था कि अपना फाइनेंशियल स्टेटस भूलकर अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। अगले सीन में हैना गौरिया के पास आती है और कहती है कि मीरा बहुत ही कूल है और उसी की वजह से मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया है। हैना गौरिया को थैंक यू बोलती है कि तुमने मुझे एडवांस में ही सब कुछ बता दिया और अब मैं इन सारी चीजों में नहीं पढ़ूंगी और ग्रेजुएशन तक अच्छे से पढ़ाई करूंगी। वो जैसे अपना प्लेट लेकर उठती है, इतने में उसका सारा खाना जाकर थाइम के शूज पर गिरता है और देखकर लग रहा था कि उसके शूज बहुत महंगे हैं। हैना उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे शूज साफ कर दूंगी या तो मैं तुम्हारे लिए नए शूज ला दूंगी। थाइम बोलता है तुम जानती हो कि ये शूज कितने महंगे हैं, मैंने इन शूज को पेरिस से मंगवाया है। हैना उसे बार बार सॉरी कहती है और बोलती है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तो सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम थाइम के शूज को लिख करके साफ करो। थाइम बोलता है कि अगर तुमने मेरे शूज को अपने मुंह से साफ किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सब सुनकर गौरिया को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो थाइम
उसे कहती है कि ये सब कुछ इसने जानबूझकर नहीं किया, इसको माफ कर दो। थाइम पूछता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। फिर वो हैना से कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसी फ्रेंड है, और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन गौरिया जब अपना लॉकर खोलती है तो उसके लॉकर में रेड कार्ड रखा हुआ था, और ये न्यूज चैट के थ्रू पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी थी। गौरिया अपने टीचर को बोलकर वहां से मेडिकल रूम में चली जाती है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए, लेकिन कुछ बच्चे उसके पीछे पीछे मेडिकल रूम तक पहुंच गए थे, इसलिए गौरिया खिड़की से भाग जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसको बच्चे परेशान कर रहे थे, इतने में वहां पर हैना आती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। इतने में कुछ लड़कियां गौरिया के ऊपर पानी फेंक देती हैं। गौरिया छत पर पहुंचकर बहुत चिल्लाती है। तभी हम वहां पर रेन को देखते हैं। रेन कहता है तुम्हारे आने से पहले ये जगह बहुत शांत रहती थी। गौरिया बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लग जाती है। इतने में रेन उसको पकड़कर वहीं पर छुपा देता है। जब लड़कियां वहां पर आकर पूछती है तो रेन कहता है यहां पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। फिर वो कहता है स्कूल ओवर होने तक तुम यहीं पर रहो, यहां पर तुम सेफ रहोगी। जब रेन वहां से चला जाता है तो गौरिया उसकी बनाई हुई पिक्चर देखती है जो उसी की फोटो थी। रात होने पर गौरिया डरते हुए अपने लॉकर तक पहुंचती है, लेकिन इतने में सारे बच्चे मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और एक रूम में बंद करके परेशान करने लग जाते हैं। वो उन लड़कों को मार कर वहां से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के उसका परेशान करते हुए वीडियो बना रहे थे। इतने में वहां पर रेन आ जाता है। वो उन लड़कों से कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम लोग यहां से निकलो। गौरिया बहुत ज्यादा रो रही होती है। रेन उसको कहता है कि तुम अभी की अभी घर जाओ। गौरिया कहती है कि अगर अभी मैं घर चली गई तो मुझे वो लोग स्कूल से निकलवा देंगे। मैं जानती हूँ कि वो सारे बच्चे बाहर ही वेट कर रहे हैं। अब रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लाइटर के थ्रू फायर अलार्म बजा देता है और पूरे स्कूल में पानी भरने लगता है। रेन उसको कहता है कि तुम अब बिल्कुल सेफ हो, तुम घर जा सकती हो। फायर अलार्म सुनकर सारे बच्चे वहां से भाग गए थे। घर आने के बाद गौरिया बहुत दुखी थी। उसकी मॉम उसको पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। गौरिया बताती है कि मुझे एक नॉर्मल स्कूल में जाना है, मैं ऐसे अमीरों के स्कूल में नहीं जाना चाहती हूँ, वहाँ पर लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना होगा। इस तरफ एमजे और केविन जब पार्टी कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर थाई माकर उन लड़कों को पानी में फेंक देता है और कहता है कि तुमने आज बहुत ही स्टूपिड हरकत की है। उसको स्कूल से निकलवाने के और भी तरीके थे। थाइम गुस्से से पूछता है कि आखिर रेन ने उस लड़की की हेल्प क्यों की। एमजे उसको कहता है कि तुमने आज तक किसी भी लड़की को रेड कार्ड नहीं दिया, अब ये सब ज्यादा हो रहा है, तुम इसको यहीं पर बंद कर दो। इतने में मेड आकर थाइम को बताती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। यहाँ पर हम थाइम की मॉम को देखते हैं जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेस वुमन थी। जब मेड उनको ड्रिंक सर्व कर रही होती है तो गलती से वो ड्रिंक गिर जाता है। इतने में थाइम की मॉम उस मेड को काम से निकलवा देती है। उसकी मॉम उसको कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने स्कूल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, तुम एक स्कूल को संभाल नहीं पा रहे हो तो हमारा बिजनेस कैसे संभालोगी। इस तरफ हम देखते हैं गौरिया के लिए उसकी मॉम ने अपना सेविंग्स बचाकर उसके लिए शूज खरीदा था। उसके डैड उसको वो शूज पहनाकर कहते हैं कि अब से तुम्हारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी क्योंकि एक नए शूज के साथ तुम अच्छी जगह पर पहुंचोगी। अगले दिन गौरिया जब स्कूल आती है तब लॉकर से कुछ निकालते हुए उसके शूज पर कुछ गिर जाता है, इसलिए वो अपने शूज को निकालकर साफ करने लगती है, लेकिन इतने में सारे बच्चे उसका शूज लेकर भागने लग जाते हैं। चैट में ये मैसेज वायरल हो रहा था कि आज इस गेम को खत्म करना ही है। सारे बच्चे शूज को लेकर उसी स्टेडियम के पास पहुंच जाते हैं। इतने में वहां पर थाइम पहुंच जाता है और कहता है कि मैं बोर हो गया हूं। वो शूज वो गौरिया को देता है। गौरिया जैसे ही शूज को लेने जाती है तो वो उसके शूज को काट देता है और फिर वो शूज को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि उसकी जगह वहीं पर थी, वो एक गार्बेज था। गौरिया को बहुत बुरा फील होता है। वो डस्टबिन से निकाल कर उस शूज को पहन लेती है तो सारे बच्चे उस पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसने कचरे को अपने पैर में पहन रखा है। थाइम उसके पास आकर कहता है कि तुम इन शूज को पहनोगी। इतने में गौरिया उसको एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देती है। गौरिया उसको कहती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी, मैं तुमसे फाइट करती रहूंगी। सारे लोग शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।